इंसान की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बगैर ज़िंदगी गुजर नहीं सकती। उतनी देर तक जितनी देर तक वो चीज़ उसके पास मौजूद होती है, उसे ना इस बात का इदराक होता है ना एहसास होता है। लेकिन जब वो चीज़ उसके पास रुखसत हो जाती है, उसके पास किसी वजह से खुदा ना खास्ता वो चीज़ मौजूद और महफूज नहीं रहती, पर उसे एहसास होता है कि एक बहुत बड़ी नेमत थी मेरे पास, वो मुझसे चली गई। हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो हमसे रुखसत हो जाएं, खुदा ना करे, तो फिर हमें बड़ी शिद्दत से एहसास होगा कि ये नेमत कितनी बड़ी है। आप कौसो कज़ा के रंग देखते हैं, धूप और छाँव में लोगों के चेहरों को मुलाहिज़ा करते हैं, आप अपने बच्चों को मोहब्बत की नज़र से देखकर दिल को ठंडा करते हैं, आप अपने माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देखकर कामिल हज का सवाब हासिल करते हैं, कुरान मजीद की ज़्यारत करके आप अपने दिल में बहुत सारा सुरूर महसूस करते हैं, लेकिन ये सारी नेमतें उतनी देर तक आपके पास हैं जब तक आपके पास आँख की नेमत मौजूद है। अगर ये रुखसत हो जाती है ना, अगरचे इतनी सारी नेमतों में ये एक नेमत है, लेकिन आप आँख नहीं है तो आपको तो अपनों का एहसास भी नहीं, आप तो अपनों के चेहरे भी देख नहीं पाए। कोई भी नेमत जो आपके पास है, आप कभी महसूस करें कि अगर उस नेमत का वजूद हमारे पास ना होता तो हमारी कैफियत क्या होती। ये सांस है, हम दो दफ़ा सांस का इस्तेमाल करते हैं, एक दफ़ा अंदर जाती है और एक दफ़ा बाहर आती है। अगर अंदर ना जाए तो भी मसला है, चली गई है लौट कर बाहर ना आए तो भी बहुत बड़ी मुश्किल है। तो इसका अंदर और बाहर जाना ये ज़िंदगी का एहसास है। अगर कभी सांस उखड़ने लगे और आपके सीने में आपकी सांस अटकने लगे तो एक बहुत बड़ी तशवीश है, एक बहुत बड़ी ऑक्सीजन है, पूरी तरह से इंसान को क़ैद कर दिया जाता है और वो कहता है कि मेरा तो सारा वजूद सलामत है, हाथ काम कर रहे हैं, पैर काम कर रहे हैं, आंखें काम कर रही हैं, ज़ुबान काम कर रही है, सब कुछ ठीक है, सिर्फ सांस उखड़ गई है। तो इंसान महसूस करता है कि ये सारी चीज़ें सलामत होने के बावजूद मेरे किसी काम की नहीं। आपके पास जितनी भी नेमतें हैं उनको अगर आप शुमार करें तो कभी आप कहेंगे कि सारी नेमतों में आँख ज़्यादा ज़रूरी है, कभी कहेंगे कान ज़्यादा ज़रूरी है, कभी कहेंगे ज़ुबान ज़्यादा ज़रूरी है, कभी कहेंगे दिल ज़्यादा ज़रूरी है, कभी कहेंगे रूह ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ, इन सारी चीज़ों के बग़ैर गुजारा हो सकता है, रसूल कायनात की ग़ुलामी के बग़ैर गुजारा नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि अगर हुज़ूर की शफ़क़त ना हो, नबी पाक अलैहिस्सलाम की रहमत ना हो, वो इब्नुल कय्यम ने एक जगह पे कहा था कि ये हुज़ूर ने हमें इंसान बनाया है, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इंसानियत के असबाक पढ़ाए हैं, अखलाकी रवैये क्या होते हैं हुज़ूर ने बतलाए हैं, अगर हुज़ूर का करम ना होता तो इंसान एक दूसरे को काट के खाता। ये हुज़ूर ने बतलाया है कि तुमने किस तरह ज़िंदगी को गुजारना है। महबूब करीम अलैहिस्सलाम का वजूद नूर एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो कायनात से माज़ल्लाह साइड पे कर दिया जाए तो इस कायनात का कायम रहना किसी सूरत भी मुमकिन है ही नहीं। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, और बज़्मे तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। वो बड़ी बात कह गए हैं, मैंने भी उसको कोई नहीं खोलना। कहते हैं बज़्मे तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खैमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, और नबज़े हस्ती, नबज़े हस्ती तपशा मादा इसी नाम से है। तो इकबाल फिर हमें करना क्या है, कहने लगे करना आपको यह है कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, ये करने का काम है।